ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर वन पर ले जाकर ही दम लेंगे। हर वर्ग और हर तबके के विकास की उनकी जो रणनीति है, भारत में व्यापार पर जो उनका फोकस है, उसी की वजह से भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उनकी इन्हीं नीतियों की वजह से भारत के लिए ब्रिटेन से एक खुशखबरी आई है। ब्रिटिश फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म स्टैंडर्ड चार्टेड पीएलसी ने यह अनुमान जताया है कि अगर भारत जिस रफ्तार से चल रहा है उसी रफ्तार से वो चलता रहा तो 2030 तक वो अमेरिका को चुटकियों में पछाड़ देगा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 7.8% की तेजी आने की उम्मीद है। 2030 तक चीन की अर्थव्यवस्था में ये तेजी 5% तक की हो जाएगी, लेकिन चीन के नागरिकों की बढ़ती उम्र, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के उस पर प्रभाव, शहरीकरण और शिक्षित मध्यम वर्ग का असर उसे झेलना होगा। साल 2018 में भी चीन की विकास दर 6.5% थी, जबकि भारत की 7.3%। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी भारत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। मोदी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि फ्रजाइल 5 में पहुंची भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4.5 सालों में, जी हां, सिर्फ 4.5 सालों में दुनिया के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बन गई है। 2019 में अगर पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर वन पर लाने के लिए हर संभव कोशिश में जुट जाएंगे और हो सकता है कि 2030 तो क्या, उससे कहीं पहले भारत नंबर 2 नहीं, दुनिया में नंबर 1 हो जाए।